और इसलिए मैं शेरनी की तरह ललकारती हूं। कल रण होगा। ये नौसिखिए नहीं है, ये नौसिखियों की फौज नहीं है, ये वो फौज नहीं है जिस पर कप्तान को भरोसा ही नहीं हो। कुछ भी करो कर्तव्य पथ से, किंतु भागूंगी नहीं। मैं बहुत भावुक थी, मैंने कहा मैं पर्चा भर रही हूं, आप मेरे साथ नहीं है। मेरी आंखें बढ़ाई और उन्होंने मुझे बड़े कक शब्दों में कहा, दिव्या जिस पथ पर तुम हो वहां आंसुओं की कोई कीमत नहीं होती। मैं नहीं देखना चाहता एक कमजोर दिव्या को। मैंने कहा यह आपसे भावनात्मक जुड़ाव के आंसू है, कैसे अंदर पीना सीख लो। और मैंने सीख लिया और इसलिए मैं शेरनी की तरह ललकारती हूं। ये जो मंच पर बैठे हैं ये नौसिखिए नहीं है, ये नौसिखियों की फौज नहीं है, ये वो फौज नहीं है जिस पर कप्तान को भरोसा ही नहीं हो। जो ये कहे कि ये फोटो खिंचाने आते हैं, मुझे अगर जीवन में किसी पर भरोसा है मेरे माता पिता के बाद तो आप पर है और आप पर है। हमारी फौज का एक एक व्यक्ति कमांडर है, एक एक व्यक्ति कमांडर है, इतना पारंगत है। जब ये आकलन और सर्वे करते हैं तो ये कहते हैं मदेना को कौन टक्कर देगा, उनके कार्यकर्ता सोने की तरह खरे हिलते नहीं है, खरे हैं। कि मदेना की ताकत क्या है, कि ईमानदारी और अपने कार्यकर्ता के लिए जान लुटाते हैं और उनके कार्यकर्ता ईमानदारी से उन पे जान लुटाते हैं। मेरी पूंजी आप है, मैं आपके लिए लड़ रही हूं, मैं मेरे पिता को खोकर आई हूं। मेरे भाग्य में शादी वादी नहीं, संघर्ष पथ लिखा है, संघर्ष की लकीरें आई हैं। मेरे जीवन का कोई ध्येय नहीं है, चुनाव जीतो हरो ये तो जनता का भाग्य, आप मेरे को भाग्य तय करेंगे। लेकिन मैं कोई व्यवसाय नहीं करूंगी, मैं दिल्ली का टिकट नहीं मांगने लग जाऊंगी बीच में, मैं कोई और प्लान नहीं लगाऊंगी, मैं और कोई काम नहीं करूंगी। मुझे एक ही काम आता है अब, और वो है आपके लिए सेवा करना और आपकी आवाज बनना। मुझे और कोई दूसरी चीज आती नहीं है और मैं कोई दूसरी चीज कर नहीं सकती हूं। मैं आपको कहना चाहती हूं, चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो, चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो, कुछ भी करो, कुछ भी करो कर्तव्य पथ से, किंतु भागूंगी नहीं, वरदान मांगूंगी नहीं। मैं इस कर्तव्य पथ से नहीं जाने वाली हूं। मुझे कोई किसी जंगल में भेजने की अपनी परिकल्पना को भुला दे, मैं इसी पथ पर चलूंगी। कर्तव्य पथ सिर्फ हार और जीत का नहीं होता है,